दांत, बड़ी बड़ी लाल आंखें जो दिखने में बहुत भयानक थी और भूतिया लग रही थी, पूरे जहाज को अपने मुंह में डाल के चबा जाती है। मुकुल बंटी से कहता है, अरे बंटी भाई, देखो कितनी बड़ी और भयानक मछली है, पूरा जहाज को खा गई। ये देखकर बंटी डरते हुए कहता है, हे भगवान, इतनी भयानक मछली, चलो यहाँ से भागते हैं, नहीं तो ये हमें भी खा जाएगी। हाँ हाँ, जल्दी से निकलते हैं, चलो। ये कहकर मुकुल अपना जहाज स्टार्ट करता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर अपने सेठ को सारी बात बताते हैं। सेठ जी, आज हम मछली पकड़ने समुन्दर में गए थे, वहाँ हमने एक बड़ी सी मछली देखी जो पूरे के पूरे जहाज को ही खा गई। अच्छा, तो तुम्हें क्यों नहीं खाया उसने, तुम्हें क्यों छोड़ दिया? मैं सच बोल रहा हूँ सेठ जी, चाहे तो बंटी से पूछ लो। हाँ, मैंने भी देखा था, ये सच बोल रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब आज फिर तुम मछली पकड़ कर नहीं लाए और इसीलिए बहाना बना रहे हो।